तानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे परमपिता परमेश्वर, हे प्रभु, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो दुर्गुण है, दुरित है, जो दुख है, जो कष्ट है, जो अंधकार है, उनसे हमें दूर कीजिए, उनको हमसे दूर कीजिए। एवं यद भद्रम तन्न आसुव, जो भद्र है, कल्याणकारी है, शुभ है, अपवरकारी है, मोक्षकारी है, उसे हमें प्राप्त करवाइए। इसी प्रार्थना के साथ भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति का मूल वेद है, जो 1,96,08,53,118 वर्ष पुरानी एवं सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष संस्कृति हैं। सृष्टि के आदिकाल में अग्नि, वायु, आदित्य एवं अंगिरा, इन महान तपस्वी ऋषियों के अंतःकरण में परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को वेद कहते हैं। इसी ज्ञान को उन चारों ऋषियों ने अन्य ऋषियों को और अन्य मनुष्यों को सुनाया और वो एक परंपरा चली आगे, एक दूसरे को सुनाने की ज्ञान परंपरा, श्रुति परंपरा, इसलिए इस वेद को श्रुति भी कहते हैं। इसी प्रकार इन वेदों का जो ज्ञान है उसको एक गायत्री आदि छंदों से बद्ध किया गया है, इसलिए इसको छंद भी कहते हैं। इनको विविध प्रकार के गानों से इसको गाया भी जाता है, इसलिए इसको छंद भी कहते हैं। और ये जो वेद ज्ञान है वो शाश्वत ज्ञान है, जिसको हम प्राप्त करके हम अपने संपूर्ण जीवन को एक सुखपूर्वक हम जी सकते हैं, और उसके साथ साथ जो अपवर्ग है, निःश्रेय से जो मुक्ति है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो वेद शब्द हैं, वो वेद शब्द भी वेद ज्ञाने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, मानी जो शिक्षा से संबंधित ज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान, भूगोल से संबंधित ज्ञान, खगोल से संबंधित ज्ञान, इसी प्रकार रस रसायन विद्याओं से संबंधित ज्ञान, इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना के साथ साथ संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है वेद। और इसी को अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। यह अध्यात्म विद्या इतनी शक्तिशाली है कि संपूर्ण संसार में फैले हुए जो भोगोन्माद, महजबोन्माद, युद्धोन्माद जैसे सारे उन्मादों का एक चीर स्थायी समाधान है अध्यात्मवाद। इसीलिए वेदों में संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हो, सर्वे संतु निरामयः, सब लोग निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाद् भवेन्, सब लोग भद्र दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखें इस समष्टि में और दिव्यता देखें और किसी के जीवन में कोई दुख ना हो। इसी प्रकार वसुधैव कुटुम्बकम्, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, एक विश्व के रूप में, एक परिवार के रूप में सारे विश्व को देखते हैं। जैसे हम अपने परिवार में रहते हैं तो कोई एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई एक व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो उनका दुख दूर करने के लिए पूरा परिवार लग जाता है, सब लोग उसको सहानुभूति देते हैं, सहयोग करते हैं और उनको दुख से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। कोई खुशी का या मंगल उत्सव हो तो सब लोग मिल करके उस उत्सव को मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। इसी प्रकार से हम भी इस समष्टि में एक वसुधैव कुटुम्बकम की भावना लेकर के जिए, मानी सब लोगों को एक साथ आगे बढ़ाने की भावना, सब लोगों के सुख में सुखी होना, और किसी को दुख है उसके दुख को हम बांटें, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयास करें, करुणित हो जाएं। ये सारी जो वसुधैव कुटुम्बकम की कामना है उसको करते हैं। कृणवंतो विश्वमार्यम, इस पूरे विश्व को एक आर्य, एक श्रेष्ठ बनाएं, इसी प्रकार से जीने का आदेश दिया है। इसी के अंदर परस्परम भावयंता परम श्रेय अव्याप्सत, मानी हम परस्पर एक दूसरों को आगे बढ़ाते हुए, सहयोग करते हुए अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से तो भरे ही भरे, लेकिन जो हमारा अगला जन्म है उसको भी हम दिव्य बनाएं या मुक्ति पद को प्राप्त कर लें। इसके लिए ये वेदों की ये दिव्य परंपराएं हैं, दिव्य भावनाएं हैं, सर्वव्यापक पूरे विश्व की मंगल कामना करते हुए करते हैं दिव्य प्रार्थनाएं। इसी प्रकार इन वेदों में मंत्र दिए गए हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से एक ज्ञान हमको बांटते हैं वेद। मंत्र का अर्थ होता है मननात त्रायते इति मंत्र,
जो मनन करने योग्य है, जो चिंतन करने योग्य है, जिनका चिंतन मनन करने से हमारी जीवन की रक्षा होती है, उसको कहते हैं मंत्र। और ये वेदों में दिए हैं। और ये मंत्र का मतलब होता है एक दिव्य विचार, एक श्रेष्ठ विचार। मानी हम अपने जीवन को देखें या इस समष्टि में जो मनुष्यकृत ऐश्वर्य हैं उसको देखें, ये दोनों के दोनों ही एक मनुष्य के विचार के विस्तार की अभिव्यक्ति ही तो होती हैं। इसलिए मूल होता है विचार। हम जो भी विचार करते हैं उसी के बाद ही बाहर दिखता है। जैसे बड़े बड़े भवन हैं, बिल्डिंग है, नगर है, या जो भी हम भौतिक ऐश्वर्य देखते हैं, पहले मनुष्य अपने मस्तिष्क में सोचता है, विचारता है कि इस तरह से भव्य बिल्डिंग बनाएंगे, इसमें इस तरह से ब्लॉक बनाएंगे, इस तरह से हम उसमें बाथरूम रखेंगे, इस तरह से किचन रखेंगे, इस तरह से बेडरूम रखेंगे, इस तरह से पूरा पहले अपने मन में बना लेता है, पूरी कल्पना कर लेता है और उसके बाद उसको अभिव्यक्त करता है बाहर। इसी प्रकार हमारा जीवन भी ऐसे होता है। हमको अपने आगे के जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए हम जो हम पहले विचार करेंगे, जो भी हम विचार करेंगे, उस विचार के आधार पर हमारा जीवन होता है। इसलिए हमको पहले विचार करना होता है कि हमको अपने जीवन को कैसा बनाना है, कैसा हम देखना चाहते हैं अपने जीवन को। तो उस तरह से एक विचार करने के बाद फिर जब हम उस जीवन को जीते हैं, उस प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे आपको पहले बताया कि मनुष्य बिल्डिंग बनाने से पहले पहले सोच लेता है अपने दिमाग में कि इस तरह से किचन रखेंगे, इस तरह से बाथरूम रखेंगे, इस तरह से बेडरूम रखेंगे, इस तरह से सोच करके फिर उसके अनुसार करता है, तो वास्तव में ऐसा ही भव्य एक बिल्डिंग बन जाता है और वो सुख देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन भी, इसमें भी पहले हम सोचिए, विचारें और एक विचार श्रेष्ठ बना करके कि ऐसे ऐसे हम अपने जीवन को चाहते हैं, उस तरह से विचार बने, फिर उसी के अनुसार स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं अपने जीवन में, तो हम वैसे ही बन जाते हैं। मानी हमारे विचार का के विस्तार का परिणाम ही होता है अभिव्यक्ति। इसलिए हमारा विचार श्रेष्ठ होना चाहिए और वो विचार देते हैं वेद, वेद मंत्रों के माध्यम से, दिव्य विचार, भागवत विचार, जिसको हम करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं, दिव्यता की ओर ले जा सकते हैं। इसीलिए इसको शास्त्र भी कहा जाता है। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्र मानी जो शासन करते हैं, जो एक शासन बताते हैं। जैसे हम इस भौतिक समष्टि में देखें, कोई राज्य देखे, कोई देश देखे, तो उसमें एक पूरा एक शासन बना हुआ होता है कि ऐसे करना है, इन इन नियमों में चलना है, ऐसे नहीं करना है, इन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको ऐसे दंड भुगतना पड़ेगा। क्यों? ये एक शासन है। ये जो शासन होता है वो व्यापक दृष्टि को देख करके बनाया जाता है और ये जो व्यापक दृष्टि है उसी के आधार पर जब हम चलते हैं, ये शासन बनाते हैं और इस शासन के अनुसार हम चलते हैं, तो हम तो सुखी होते ही होते हैं, अन्यों को भी हम सुख बांटते हैं, शांति बांटते हैं। जैसे हम एक व्यवस्था देखें, रोड रास्ते की जो व्यवस्था है, परिवहन व्यवस्था है, उसमें कई सारे नियम कानून बने रहते हैं। वो जो नियम कानून होता है कि आपको रोड पे जा रहे तो राइट साइड चलना, आ रहे तो लेफ्ट साइड चलना, इत्यादि एक नियम होता है। कोई सर्कल है तो वहाँ पे आपको रुकना है, नीली लाइट होने पे आपको आगे बढ़ना है, लाइट लाइट हो तो आपको रुक जाना है, या कोई स्कूल है, या कोई शहर में आप प्रवेश कर चुके हैं, कोई गांव में आप प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पे आपको गाड़ी को धीमा करना, इस तरह से कई सारे नियम होते हैं। और आपकी भी गाड़ी है तो उस गाड़ी में जो लाइट है, साइड लाइट है, या ब्रेक लगाते उस समय लाइट, तो उसका कई सारे नियम होता है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। और उन सब नियमों को जब हम फॉलो करेंगे, उस नियमों के अनुसार जब हम चलेंगे, तो हमारा ही कल्याण होता है, हमारी ही रक्षा होती है। मान लीजिए कि ये सारे जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने के बाद हम चले, तो हर व्यक्ति, हम भी स्वतंत्रता के रूप से कैसे भी चलेंगे इस रास्ते पे, इस रोड पे, इसी प्रकार दूसरे लोग भी इस रास्ते पे, इस रोड पे इसी तरह से चलेंगे। कोई भी साइड में चले, कहीं सर्कल है तो रुके भी ना, और कहीं स्पीड से भी चला दे, स्कूल है, कोई गाँव है जहाँ पे लोगों के भरमार है तो भी वहां स्पीड से चला दे, तो वहां क्या होगा? एक्सीडेंट होंगे, बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी, कहीं सर्कल है तो वहां भीड़ लग जाएगी, जहां हम 5 मिनट में या 10 मिनट में हम रुक करके वहां से निकल सकते थे जो व्यवस्था के अनुकूल, वहां पे यदि भीड़ लगेगी तो एक एक दो दो तीन तीन घंटा तक चला जाता है समय। तो हमारा ही समय यदि हम व्यवस्था में चलते तो हमको एक अनुबंध में तो रहना ही पड़ता है, एक सारे शासन में रहना पड़ता है, एक नियमों में रहना पड़ता है, वो हम बंधन मानते हैं। वास्तव में हमको उनको बंधन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो बंधन होता है वही हमारे आगे बढ़ने का, जो बंधन होता है वही हमारे सृजन का कारण होता है। तो इसलिए हमको उस बंधनों को बंधन ना मान करके हमारी ही जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा का एक कवच मानना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता इस वहाँ तक स्वतंत्र होते हैं कि हम अपनी इच्छा, जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो वहाँ तक हम स्वतंत्र रह करके काम करें, लेकिन जहाँ से दूसरों की स्वतंत्रता बाधित होने लगे तो वहाँ से हमको रुकना चाहिए, वहाँ से फिर जो सामाजिक या जो एक
व्यवस्था बनती हैं, जो एक नीति नियम बनते हैं उसके अनुसार चलते हैं, तो उससे उनकी तो रक्षा होती ही होती है, लेकिन हमारी भी रक्षा होती है। इसलिए हमको एक अनुशासन में चलना चाहिए। स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना भी बताई गई है। स्तुति, स्तुति मानी बखान करना, बखान मानी जो चीज़ जैसी उसको यथार्थ, जो उनकी गुणवत्ता होती है, जो उनके कार्य होते हैं, उसको स्मरण करना, उसको याद रखना, उसको स्मृतिमान बनाना, इसको कहते हैं स्तुति। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम जो शब्द हैं वो शब्द बनता है अवरक्षणे धातु से, मानी सब ओर से जो हमारी रक्षा करे उसको कहते हैं ओम। तो वो जो परमपिता परमात्मा का हम वाचक नाम कहते हैं, तस्य वाचक प्रणव तद जपस तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का वाचक श्रेष्ठ नाम है ओम, तद जपस तदर्थ भावनम, और उसकी पूरी भावपूर्वक जब हम जप करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा चित्त शांत होता है। तो जो परमपिता परमात्मा उसका जो ओम नाम है, उस ओम नाम को जानने के लिए, और दूसरा क्या होता है स्तुति, स्तुति करने से उसके प्रति हमारी प्रीति बढ़ती है। चाहे कोई भी वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसकी जब हम स्तुति करते हैं तो उसके प्रति प्रीति बढ़ती है। जैसे ओम है, ओम का जप करने के लिए क्यों कहा जाता है, जब हम ओम है वो अवरक्षण धातु से बनता है, मानी सब ओर से जो हमारी रक्षा करता है उसका हम नाम लेते हैं, उसको हम याद करते हैं। जब हम उसको याद करते हैं तो क्या होता है कि उनके जो हमारे के ऊपर जो उपकार होते हैं उन उपकारों को हम याद करते हैं, उन उपकारों के कारण हम प्रीति करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं। जैसे अवरक्षण धातु से ओम बताएं तो वो हमारी सब ओर से रक्षा करता है, जैसे हमको वायु देख करके रक्षा करता है, हमको निःशुल्क में हर समय हमको वायु ही प्रदान करता है। यदि ये वायु ना हो तो आप विचार कर सकते हैं, हम दो तीन मिनट ही सांस ना ले, दो तीन मिनट ही सांस को बंद कर दे तो भी हम रह नहीं पाते, हमारी जीवन की हानि हो जाती, हमारी मृत्यु हो सकती है। तो दो तीन मिनट यदि वायु ना मिले तब भी, तो ये परमात्मा तो हमको हमेशा वायु देता है, तो वायु दे करके जो हमारी रक्षा करता है, इसी प्रकार से जल दे करके जो हमारी व्यवस्था करता है। कहते हैं ना जल ही जीवन है, जल के बिना हम रह नहीं सकते इस धरती पर। हमारे शरीर में 75% से भी ज़्यादा तो जल की मात्रा होती है, और ये जल यदि हमको ना मिले तो भी हमारी जीवन की हानि हो जाएगी, तब भी हम नहीं जी सकते इस धरती पर। तो इसलिए जो जल हमेशा दे करके भी हमारी जीवन की रक्षा करता है, इसी प्रकार इस धरती को दे करके, ये ऐसी धरती है जिसके कारण ही तो हम यहाँ हैं, इस धरती ने हमको धारण कर रखा, यदि धरती ना होती हम कहाँ रहते। इसलिए जिन्होंने धरती दे करके हमारी रक्षा की, और इस धरती को ऐसे दिए कि फल फूल व औषधियाँ इत्यादि कई सारे प्रकार की चीज़ों को हमको देता है जिससे हमारी रक्षा होती है। इसी प्रकार धूप को हम देख सकते हैं, जो सूर्य हमको नित्य प्रति धूप देते हैं, ये धूप भी यदि कुछ समय तक ना मिले तो भी हम कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारी जीवन की कैसे, जैसे कई कई बार वर्षा ऋतु होती है और कई दिन तक धूप ही ना निकलने दे, बादल इतने छा जाए तो उस समय कितनी बीमारियाँ फैल जाती हैं, सारी हॉस्पिटलें भर जाती हैं और घर घर में लोग बीमार हो जाते हैं। तो उन बीमारी से भी मुक्त होने के लिए हमको एक काम करना पड़ता है, मानिए प्रकाश चाहिए, तो ये जो प्रकाश है उसकी भी हम आवश्यकता देख सकते हैं। तो प्रकाश को भी देख करके जो हमारी जीवन की रक्षा करता है, इसी प्रकार आकाश को देख कर, आकाश है इसके लिए हम खुले घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, इसे विमान इत्यादि में हम उड़ते हैं इत्यादि। तो ये जो आकाश देख करके भी हमारी रक्षा करता है, मानिए सब ओर से जो हमारी रक्षा करता है, उस तरह से जब हम उनके गुण देखते हैं तो उसकी हम स्तुति कर रहे हैं, और इस स्तुति के कारण से हमारी उनके साथ प्रीति होती है। और कई लोग ऐसा भी क्वेश्चन कर देते हैं, यदि वो सब ओर से हमारी रक्षा करता है, सब ओर से हमको सुख देता है, तो जैसे हमारे जीवन में कई सारे दुख आते हैं, वो दुख क्यों देता है, वो दुख क्यों आते हैं? तो वास्तव में वो परमपिता परमात्मा दुख नहीं देता है, दुख का कारण हम स्वयं होते हैं। जैसे वो जो दुख आते हैं वो दुख इसलिए परमपिता परमात्मा हमको इस प्रकार से देते हैं कि उस दुख को दे करके भी हमारी जीवन की रक्षा करता है। जैसे हम कोई व्यवहार करते हैं, वाणी का आचरण, खान पान, ये सब जब हम गलत करते हैं, उस गलत करने के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं। यदि हम वो गलत ना करें तो हमारे जीवन में दुख नहीं आ सकते। तो ये जो हम जब गलत करते हैं, हम अज्ञानता के कारण या हमको पता नहीं इसके कारण जब हम उस गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं और गलत कार्यों को करते चले जाते हैं, हमको पता नहीं है, और उस कर्म का परिणाम जो होता है वो दुखदायी होता है। तो उससे पहले जैसे हम कोई आहार विहार के रूप में, छोटे रूप में एक उदाहरण के रूप में देखें, तो हम जब आहार विहार करते हैं तो मान लो कि हमको मीठा ज़्यादा पसंद है, हम हर रोज मीठा खाते हैं, तो
कुछ दिन के बाद हमको हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे कई सारी प्रकार की विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी होने लगती हैं। तो वो जो सारी बीमारियों का कारण है वो डायबिटीज़ है, उसका कारण है भोजन। और भोजन हमको केवल अच्छा लगता है इसलिए हम खाते हैं, हमको पता नहीं है कि इसको ज़्यादा खाने से ऐसी बीमारियाँ भी होती हैं अज्ञानता के कारण, और फिर हम खाते रहते हैं। तो उससे बचने के लिए जब हमको डायबिटीज़ होती है तो हमको दर्द होता है, दुख होता है, हमारे शरीर क्लेश होने लगता है, इत्यादि कई सारी कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में आने लगती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है आपके शरीर में शुगर की प्रॉब्लम हो गई और ये चीज़ आप जो खा रहे थे वो गलत खा रहे थे। तब हमको पता है अच्छा हम जो खा रहे थे तो अच्छा लगता है इसलिए खा रहे हैं लेकिन ये गलत है, फिर हम उसको खाना छोड़ देते हैं। तो जब हम उन्हें उसको खाना छोड़ दिया तो गलत कर्म वहाँ से रुक गया। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन में अन्य दुख जो आते हैं वो सारे दुख भी इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा देते हैं कि जो छोटा मोटा दुख आता है उस दुख को हम महसूस करते हैं, देखते हैं, उसके कारण से उस गलत कर्म से हम बचते हैं। उस गलत कर्म से जब हम बचेंगे तो हमारे जीवन की रक्षा होगी, हमारा जीवन का उत्कर्ष होगा। वरना जैसे बाहर से बीमारी कोई हो गई, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई, फेफड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई दूसरी तीसरी बीमारी हमारे शरीर में हो गई, बीमारी होने के बाद भी यदि परमात्मा हमारे शरीर में दर्द ही ना रखे, हमको पता ही ना चले, दर्द नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा, जब पता ही ना चलेगा तो हम इसका इलाज भी कैसे करेंगे, और जब इलाज नहीं करेंगे तो हमारे पूरे जीवन की ही हानि हो जाएगी, मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, थोड़ी बहुत बीमारी पनपती है तुरंत दर्द करने लग जाती है, दुख देने लग जाती है। जब दर्द देने लग जाती है, दुख देने लग जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत करो, और फिर इसके अनुसार हम दिनचर्या, आहार विहार, औषध का सेवन करते हैं तो हमारे जीवन की रक्षा हो जाती है, हमारा जीवन वापस चलने लग जाता है, मृत्यु के मुंह से बाहर निकल आते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो दूसरे दुख होते हैं, परिस्थितियों जन्य, व्यवहारिक या अन्य अन्य जो दुख आते हैं, उसको भी हमको ऐसे ही देखना चाहिए। और उसमें जो दुख आते हैं वो दुख भी परमपिता परमात्मा इसलिए नहीं देते हैं कि जिससे हमारे जीवन की हानि हो या हमको कोई दुख देने के लिए दे रहा हो, लेकिन इसलिए देते हैं कि हम जो गलत कर्म कर रहे हैं उस गलत कर्म से रुकें और एक सही कर्म करके हम अपने जीवन की भी रक्षा करें और अपने जीवन में एक उत्कर्ष को भी हम प्राप्त करें। इसके लिए वो दुख देता है और वो दुख हम हमारी उन्नति के लिए, हमारे कल्याण के लिए देता है। जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों को कभी वो गलत दृष्टि से नहीं देखते हैं, माता पिता अपने बच्चों को जो दंड देते हैं वो उनको दुख देने के लिए नहीं देते हैं। जब वो बच्चा कोई गलत आदत में फंस रहा है, कोई गलत संगति में जा रहा है या कोई गलत काम कर रहा होता है, तब माता पिता उसको दंड देते हैं, कोई लपाट मारना, कोई डार देना या जो भी, उसको दंड देते हैं। तो दंड क्यों देते हैं, उसको दुख देने के लिए नहीं देते अपितु उनकी जीवन की रक्षा हो, उनकी गलत आदत ना बन जाए, कोई गलत संगति ना बन जाए, कोई गलत कर्म करने ना लग जाए जिसके कारण उनका पूरा जीवन की हानि हो, उनका जीवन में उनको दुख आए, उससे बचाने के लिए माता पिता भी उसको दंड देते हैं। इसी प्रकार वो भी हमारा माता है, परमपिता भी हमारी माँ है, वही हमारा परमपिता हमारा पिता है, वो भी हमको दुख इसलिए देता है कि हम उन गलत कर्मों से रुके, उस गलत कर्मों से हम दूसरी दिशा में जाए, सही दिशा में कर्म करें, इसके लिए वो हमको दंड देता है। तो इसलिए हमको इस प्रकार से देखना चाहिए। तो हम स्तुति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, स्तुति से उसके साथ हमारी प्रीति होती है। तो अवरक्षण धातु जैसे आपको सारा बताया, इस तरह से हम जब सब ओर से वो परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है, इस प्रकार से हम उसको देखेंगे तो उससे हमारी प्रीति होगी। जब उनसे हमारी प्रीति होगी तो हम उससे साथ हमेशा उस भाव में जिएंगे और उसके साथ एक रूपता के साथ जिएंगे। जब एक रूपता के साथ जिएंगे तो उनके जो दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर भी प्रविष्ट होते हैं। जैसे कोई अग्नि जल रही हो, तीव्र अग्नि जल रही हो और उसके दूर में या उसके मतलब आसपास में हम खड़े रहे तो वो जो अग्नि है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। वो अग्नि गर्म है तो हमको भी उष्णता प्रतीत होती है। इसी प्रकार कहीं बहुत ही ठंडा माहौल है और वहाँ जाए तो उस ठंडे माहौल का भी हमको अनुभूति होती है, उसका भी हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब हम परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, स्तुति करने से उसकी प्रीति होती है, प्रीति करने से हम उसे उसका ध्यान करते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, और जब उसका ध्यान करते हैं तो उसका ध्यान करने से उनके जो दिव्य गुण हैं वो दिव्य गुण आनंद, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, करुणा, दया, दान, ऐसे जो दिव्य गुण होते हैं उस परमपिता परमात्मा के, वो सारे के सारे गुण हमारे भीतर प्रविष्ट होते हैं। जैसे हम अग्नि के समीप बैठते हैं तो वो अग्नि भी हमको प्रभावित करती है, वो अग्नि भी हमको उष्ण बनाती है। इसी प्रकार से जब हम
उस परम पिता परमात्मा की सन्निधि में जाते हैं, पहले तो स्तुति करते हैं, स्तुति करने से प्रीति बढ़ती है, और जिसकी प्रीति बढ़ती है उसका ध्यान हमको स्वाभाविक आता है। तो वो जो ध्यान हम आता है उसी ध्यान के आधार पर उसकी गुण कर्म स्वभाव हमको प्रभावित करते हैं, और उसी गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हमारा पूरा जीवन आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमको स्तुति करनी चाहिए, इसी प्रकार से प्रार्थना भी। और जो प्रार्थना होती है उसका अर्थ होता है प्रकृष्टेन अर्थना, प्रार्थना जो प्रकृष्ट रूप से अर्थना चाहना, मानी हम जो चीज़ चाहते हैं उसको उसके लिए तीव्र ललक होनी चाहिए, एक तीव्र अभिप्सा होनी चाहिए। और वो जो तीव्र अभिप्सा के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता की ओर जाते हैं, और तीव्र अभिप्सा ही प्रार्थना होती है। प्रार्थना का मतलब याचना नहीं होता, मांगना नहीं होता है, प्रार्थना का मतलब होता है अपनी आवश्यकता को महसूस करना, हम क्या चाहते हैं उसको महसूस करना। इसलिए हमको नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए उस परमपिता परमात्मा से, उस प्रभु से। जब हम स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति से हम उसका ध्यान करेंगे, उसके पास में जाएंगे तो उसके गुण हमको प्रभावित करेंगे। प्रार्थना करेंगे मानी उनके जो दिव्य गुण हैं उसकी याचना करेंगे, तो वो दिव्य गुण जो है वो भी हमारे भीतर प्रविष्ट होते हैं, और हमारा जीवन की भी रक्षा होती है, हमारा जीवन भी दिव्य बनता है, सुरक्षित बनता है, सही बनता है। इसलिए हमको इस वेद पथ पे चलना चाहिए, इस अपवर के पथ पे चलना चाहिए। इसलिए इन सब विद्या को ही अध्यात्म विद्या कहते हैं, और यह अध्यात्म विद्या इतनी शक्तिशाली है कि सारे संसार में फैले हुए जो भोगोन्माद, महजबोन्माद और युद्धोन्माद जैसे सारे जो उन्माद है उनका चीर स्थायी समाधान है अध्यात्मवाद। इसलिए सबको इस पथ पे चलना चाहिए, और इस पथ पे चल करके हम खुद तो सुखी हो ही सकते हैं लेकिन पूरे संसार को भी हम सुख से भर सकते हैं। इति ओम।